हुसैनियत का आलम कभी ना उठेगा उनसे, हुसैनियत का आलम जो लोग बज़्मे नबी से उठाए जाते तो मैंने उनको ये बताया कि मैं तकरीबन 96 से इस महफिल में शिरकत कर रहा हूँ, 96-97 से। इधर 2-4 साल से मुझे थोड़ा सा बुजुर्गी का एहसास होने लगा कि 28 साल हो गया इस महफिल में शिरकत करते हुए। आप तो पटियाला में थे इसलिए आपकी मौजूदगी में नहीं पड़ा, लेकिन मुझे फख्र है, मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर कलाम पढ़ा था या मैं जब पढ़ता था तो हमारे दरमियान गंभीर साहब मौजूद रहते थे, नौशा भाई थे, शमीम भाई थे, तमाम असातिज़ा थे। उनके सामने मिसरे पढ़ते वक्त मुझे बड़ा फख्र होता था। आज भी आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहके हाजिर हो गया हूँ। मिजाज ज़रा सा वही है, मतलब पेश कर रहा हूँ। अगर नया रदीफ उसकी बहुत मुश्किल है, दोनों मिसरे पेश कर रहा हूँ। लहजा जितने मोमिन मौजूद हैं ये उन्हीं का है, मैं हाजिर कर रहा हूँ, मतलब समाप्त फरमाएंगे। देखिए कि दीवारों दर अगर है तुम्हारी नजर से दूर, मैंने मिसरा पढ़ा है, लेकिन आपको भी अख्तियार है इसी लहजे से गुफ्तगू करने का। दूसरा मिसरा समाप्त फरमाएंगे कि दीवारों दर अगर है तुम्हारी नजर से दूर, तुम दीदावर नहीं हो, निकल जाओ घर से दूर। दीवारों दर अगर है तुम्हारी नजर से दूर, तुम दीदावर नहीं हो, निकल जाओ घर से दूर। तुमने चराग वक्त से पहले बुझा दिए, अब और कितनी देर रहोगे शहर से दूर। तुमने चराग वक्त से पहले बुझा दिए, अब और देखिए, अब ऐसे खामोशी से अगर सुनेंगे मिसरे पहुंच जाएं, बाकी दादवत तो 25-26 साल से ले ही रहूंगे, शेर सुनिएगा। तुमने चराग वक्त से पहले बुझा दिए, अब और कितनी देर रहोगे शहर से दूर। काफिया और रदीफ पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएंगे कि खारों के आस पास अली किस तरह रहे, खारों के आस पास अली इस तरह रहे, इनका हुनर यही है रहे बेहुनर से दूर। खारों के आस पास अली इस तरह रहे, इनका हुनर यही है रहे बेहुनर से दूर। मलका पेश कर रहा हूं, पहला मिसरा सुनने के बाद आप शायद उसको दूसरे वे में ले जाएं, लेकिन दूसरा मिसरा सुनिएगा तो हद अदब में रह के दूसरा मिसरा है समाप्त फरमाएंगे। उनका हुनर यही है रहे बेहुनर से दूर के अरशी नहीं है आज की महफिल में जो शरीक, अरशी नहीं है आज की महफिल में जो शरीक, बस इतना जान लें कि है अच्छी खबर से दूर। अरशी नहीं है आज की महफिल में जो शरीक, नहीं है आज की महफिल में जो शरीक,
आज की महफिल में जो शरीक, बस इतना जान लें कि हैं अच्छी खबर से दूर, बस इतना जान लें कि हैं अच्छी खबर से दूर। अब यहाँ से मतलब सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि एक सिलसिलेवार शेर समाप्त फरमाएंगे कि गुलजार के सारे गुंजों को जो बाद सभा से मिलता है, गुलजार के सारे गुंचों को जो बाद सभा से, मैं मजबूर हूँ, मेरा मिजाज यही है, जितना भी कलाम मैंने अब तक पढ़ा है यहाँ पर इसी नहज का है, दादवाद वो सब बात की बातें हैं। गुलजार के सारे गुंचों को जो बाद सभा से मिलता है, हम अहले अज़ा को लुत्फ वही परचम की हवा से मिलता है। गुलजार के सारे गुंचों को जो लुत्फ जो बाद सभा से मिलता है, गुलजार के सारे गुंचों को जो गुलजार के सारे गुंचों को जो बाद सभा से मिलता है, हम अहले अज़ा को लुत्फ वही परचम की हवा से मिलता है। 1400 बरस के बाद भी हम जिंदा हैं तो बढ़कर पूछते हैं, ऐ खिज़्र तुम्हारा आब बका क्या इसके अदा से मिलता है। 1400 बरस जिंदा है तो बढ़कर पूछते हैं, 1400 बरस के बाद भी हम, 1400 बरस के बाद भी हम जिंदा है तो बढ़कर पूछते हैं, ऐ खिज़्र तुम्हारा आब बका क्या इसके अदा से मिलता है। ऐ खिज़्र तुम्हारा मासूम शेर सुनो पेश कर रहा हूँ, ऐ खिज़्र तुम्हारा अश्के अदा, ऐ खिज़्र तुम्हारा आबे बका क्या अश्के अदा से मिलता है। शेर सुनिए कि ईसारे अबू तालिब की झलक जब शीशे दरिया ने देखी, ईसारे अबू शम्स शेर सुनो, ईसारे अबू तालिब की झलक जब शीशे दरिया ने देखी, मौजों ने कहा अकबर का चचा अहमद के चचा से मिलता है। ईसारे अबू तालिब की झलक, ईसारे अबू तालिब की झलक, ईसारे अबू तालिब की झलक जब शीशे दरिया ने देखी, ईसारे अबू तालिब की झलक जब शीशे दरिया ने देखी, मौजों ने कहा अकबर का चचा अहमद के चचा से मिलता है। ईसारे अबू तालिब की झलक जब शीशे दरिया ने देखी, मौजों ने कहा अकबर का चचा अहमद के चचा से मिलता है। मौजों ने कहा अकबर का चचा अहमद के चचा से मिलता है। अल्लाह करे ये शेर मैं पढ़ लूं और आप तक पहुंचा सकूं। समाप्त फरमाएंगे शेर हजरात, बिल्कुल सादा सा शेर है लेकिन शायद कोई नई बात हो, अहले इल्म का मजमा है, मुझे कोई तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं तशरीह करता। शेर पेश कर रहा हूँ शबरोज, शेर सुनो शबरोज, हम मैसेज दे देंगे तुमको, हम लिख के दे देंगे। हाँ, ईशारे अबू तालिब की झलक जब शीशे, शेर सुनिएगा दोस्तों अजीजों, मेहनत रहेगा ना चली जाए। मौजों ने कहा अकबर का चचा अहमद के चचा से, नसीब शेर देखिएगा कि शब्बीर तुम्हारे बेटे का अस्माए गिरामी क्या कहना, शब्बीर तुम्हारे बेटे का अस्माए गिरामी क्या कहना, एक नाम अली से मिलता है एक नाम खुदा से मिलता है। शब्बीर तुम्हारे बेटे का अस्माए गिरामी क्या कहना, शब्बीर तुम्हारे बेटे का अस्माए गिरामी क्या कहना, एक नाम अली से मिलता है एक नाम खुदा से मिलता है। हाजिर कर रहा हूँ मतलब समाज फरमाएंगे कि जिनमें सच्चाई न हो वो मेरे अशार नहीं, जिनमें सच्चाई न हो वो मेरे अशार नहीं। ए भैया ये सामने तरन्नुम में पढ़ने लगूं,
तब सुनोगे, तहे तुम सुन लो। जिनमें सच्चाई, दूसरा मिश्रा पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएंगे अहले इनका मजमा है। जिनमें फैजान साहब, जिनमें सच्चाई नहीं वो मेरे अशार नहीं, मेरा मौला किसी अफसाने का किरदार नहीं। जिनमें सच्चाई न हो वो मेरे अशार नहीं, मेरा मौला किसी अफसाने का किरदार नहीं। कि ऐसी मिधत के तसव्वुर से मुझे भी है गुरेज, ऐसी मिधत के तसव्वुर से मुझे भी है गुरेज, जिसके दामन में कोई निशमता मार नहीं। ऐसी मिधत के तसव्वुर से मुझे भी है गुरेज, ऐसी मिधत के तसव्वुर से मुझे भी है गुरेज, ऐसी मिधत के तसव्वुर से मुझे भी है गुरेज, जिसके दामन में कोई मीसमे तमार नहीं। कि वो जो इंसान को इंसान बना देती है, वो जो इंसान को इंसान बना देती है, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं। वो जो इंसान को इंसान बना देती है, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं। कि जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, साहिब तख्त तो है, साहिब मेयार नहीं। जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, साहिब तख्त तो है, साहिब मेयार नहीं। आखिरी शेर इस सिलसिले का सुनिए कि आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है। उसका दूसरा मिसरा समाप्त फरमाएंगे। आले अहमद की जबान मासूम, दूसरा मिसरा सुनो। आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है, लफ्ज़ आखिर है अगर कह दिया एक बार नहीं। आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है, आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है, लफ्ज़ आखिर है अगर कह दिया एक बार नहीं। बड़ी देर से सैयदुल शुहदा का जिक्र हो रहा था, आंसू के हवाले से बड़े बड़े शेर लोगों ने सुनाए, और ये बात सच है बकौल नासिर भाई के, दादो तहसीन के दर खैबर उखाड़ के ले गए। मैं मतला पेश कर रहा हूँ, दो तीन शेर इजाजत, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये है, आंसू की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। इंसान को चोट लगती है तो अलग आंसू है, किसी की बात बुरी लगती है तो अलग आंसू है। एक आंसू मैंने भी पेश करने की कोशिश की है, अगर कहीं से कहीं तक ऐसा लगे कि हाँ एक नया रुख है, तो मतले की लाज रख लीजिएगा कि निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं, निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं। बड़े इत्मीनान से पढ़ने वाला मतला है, निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं, हुसैन इब्ने अली दिल में पाए जाते हैं। मैंने मतलब पेश किया है, निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं, हुसैन इब्ने अली दिल में पाए जाते हैं, निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं, हुसैन इब्ने अली
दिल में पाए जाते हैं। शेर सुनिएगा जिसो एक अलग नहज का, कि बुलंद नहजों की होगी सरों की एक तस्वीर, बुलंद नहजों पे होगी सरों की एक तस्वीर, हुसैन दाने से दाने मिलाए जाते हैं। बुलंद नहजों पे होगी सरों की एक तस्वीर, बुलंद नहजों पे होगी सरों की एक तस्वीर। ये शेर ऐसे ही पढ़े जा सकते हैं जो इनकी शेर है। बुलंद नहजों पे होगी सरों की एक तस्वीर, हुसैन दानों से दाने मिलाए जाते हैं, वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो ईसार, वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो ईसार, इसी खमीर से इंसान बनाए जाते हैं। वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो ईसार, इसी खमीर से इंसान बनाए जाते हैं। पता चलेगा ये बनाए जाते हैं काफिया रिपीट हुआ है लेकिन अलग नहज से समाज फरमाएंगे कि पता मिलेगा तुम्हें हाशिम घराने का, पता मिलेगा तुम्हें हाशिम घराने का। ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं, क्या बताऊं हम पढ़े लिखे तो पता मिलेगा तुम्हें हाशिम घराने का। ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं। अच्छा कोई शेर पढ़ दूं जिससे सब बोलने लगे। पता मिलेगा तुम्हें हाशमी घराने का, यह हकीकत है शेर नहीं है, पूरी तवज्जो जो बयान करने जा रहा हूं। ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं, कभी ना उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम, कभी ना उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम, जो लोग बज़्मे नबी से उठाए जाते हैं। कभी ना उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम, मतलब कैसे कभी ना उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम, जो लोग बज़्मे नबी से उठाए जाते हैं। सिलसिले का अगला शेर, जो लोग बज़्मे नबी से उठाए जाते हैं कि कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं। कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, निशान बनने से पहले, निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं। शबरो साहब ने और किसने अरे इन्होंने क्या नाम शरर साहब ने, इन लोगों ने कहा कि अमरोहा की आज़ादारी, ये सच है कि अमरोहा की आज़ादारी का कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल अलग नौइयत की आज़ादारी होती है यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट माहौल है आज़ादारी का। मैं आया तो नहीं हूँ लेकिन मैंने यूट्यूब के ज़रिए देखा है। अब उन आज़ादारों की नज़र कर रहा हूँ, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, अगर पहुँच जाए तो बोल के बताइएगा कि कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का निशान, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं। कि ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है, ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है, ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं।
अगला शेर काजी अब्बास के हवाले से। सर रूप जलाल हैबत खौफ खत शमशीर नज़ा तलवार, ये सब आपने सुन लिया है। मैं अलग नौयत का शेर पेश कर रहा हूँ, जलाल बाबुल हवाइज पेश कर रहा हूँ। काजी अब्बास अलमबरदार समाप्त फरमाएंगे, अलग नहज का शेर है, लहजे का शेर है। ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है, हुसैन वाले जमाने पर छाए जाते हैं, हुसैन वाले गाजी अब्बास कि हमारे सामने ये टुकड़िया न भेजिए जी। जलाले बाबू हवाई पेश कर रहा हूँ कि हमारे सामने ये टुकड़िया न भेजिए जी, यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं। यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं, हमारे सामने ये टुकड़िया न भेज जजी, यहाँ निगाह पे लश्कर, यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं, यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं। एक पैगाम उलमाए किराम की जानिब से, उनकी मौजूदगी में उनसे जसारत, उनके सामने जसारत कर रहा हूँ, लेकिन उनसे इजाजत लेकर पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों दोस्तों, अगर महसूस कीजिएगा कि इस शेर की जरूरत है तो खुदा के वास्ते खामोश मत रहिएगा, और महसूस कीजिएगा कि नहीं, ये सब शेर की जरूरत नहीं है तो चुप रहिएगा, वल्लाह कोई शिकायत नहीं करूंगा, मगर शेर कीमती है, हाजिर कर रहा हूँ। हमारे सामने ये चुकड़िया न भेज जी, यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं कि अजा के फर्श पे, ताजदार साहब, अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो। अजा के फर्श पे इनविटेशन, अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो। मलाइका भी यहां बिल बुलाए जाते हैं। अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो, अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो, अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो। हमारे सामने ये टुकड़िया न भेज जी, यहाँ निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं, अजा के फर्श पे दावत की आरजू न करो, मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं, मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं। शबे आशूर, किरदार इमाम हुसैन, चराग का गुल करना, सब जानते हैं आप। मैं मक्ता पेश कर रहा हूं, अगर कोई नई बात हो तो चलते चलते बाबा कर दीजिएगा, अगर कोई नई बात हो। अजा के फर्श पे दावत की आरजू ना करो, जफर भाई, मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं कि कभी न छोड़िए अपनी जगह को ऐ अर्शी, कभी न छोड़िए अपनी जगह को ऐ अर्शी, अगर चराग कहीं पर बुझाए जाते हैं, कभी न छोड़िए अपनी जगह,